यामिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही है, वो मूड की धज्जिया उड़ा दी है, क्या क्या सोच कर आए थे हम और कुछ भी नहीं हो रहा वैसा। ये टॉप है, ये देखो यामिनी ने ट्राई किया है, प्यारा लग रहा है ये। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छी होंगी, मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। सो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है अराउंड 12:30, और आज ना हम कुछ दोस्त जो हैं वो मिल रहे हैं, तो कौन कौन लोग हम लोग हैं वो मैं आपको आगे बताती हूँ। फिलहाल अभी हम चलते हैं, और राधे से आप लोग कब से नहीं मिले हैं, तो घर जाकर मैं आपसे आपको ना राधे से भी मिलाती हूँ। सो दोस्तों, यामिनी को लेना, हम इसके घर ही पहुँचे हैं। बहन हम कब से वेट कर रहे हैं यहाँ तेरा, तू तैयार है पहले बता। सो दोस्तों, हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग डोले डाना जाएंगे, उससे पहले हम लोग गए थे हिम की शॉप में, यामिनी का वेट कर रहे थे, लेकिन यामिनी कहती थी कि इधर का हो, तो हम फटाफट से उसके घर के पास आए। तो अभी यामिनी दोबारा घर ऊपर गई है, नीचे आ रही है। फिलहाल अभी हम डोले डाना की ओर को ही जा रहे हैं, सो देखते हैं कैसा होता है, और मौसम इतना खराब सा हो रहा है, खाते रहते। सो गाइस, हम हैं दुगाल खुला पे, और ऊपर देख रहे हो आप पूरे बादल लगे पड़े हैं। सो देखते हैं आगे कैसा रहता है। फिलहाल यामिनी आ रही है, रितेश, राकेश और हेम आगे है, और बाकी जो हमारे दोस्त हैं उनको टाइम नहीं हो रहा था, तो इस वजह से वो लोग कोई भी नहीं आया है। तो हम लोग जितने लोग हैं थोड़ा सा आगे तक जाते हैं, देखते कैसा हो रहा है उधर को, फिर आपसे मिलते हैं। सो दोस्तों, हमारी यामिनी भी आ गई है, और यामिनी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। वो क्यों हो रही थी? मैं इनके लिए गुस्सा हो रही थी, क्योंकि ना इन्होंने सवेरे सवेरे हमसे बोला था कि हम लोग 8:30 फोन आ गया था ये हेम का, हाँ, कि हम लोग डोले डाना जाएंगे, तो वहाँ हम लोग या मैगी वगैरह कुछ बनाएंगे, चाय वाय बनाएंगे मस्त कर, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि हेम की शॉप में जाएंगे, हेम की शॉप में भी जाकर कुछ नहीं हुआ, और अभी हम पता नहीं कहाँ ही जा रहे हैं। तो यहाँ मैंने कहा मूड खराब है, मेरा मूड अब सही है, मैं खराब नहीं हो गया था थोड़ी देर पहले, जो कि मेरा भी था। सो अभी देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं, तो मूड की धज्जिया उड़ा दी है, क्या क्या सोच कर आए थे हम और कुछ भी नहीं हो रहा वैसा। और देखो पीछे गप्पे मारते मारते मैं इवनिंग को घूमने नहीं आऊंगा आजकल, पता है मैं पता कल कहां तक आई थी घूमने, मैं देवदार के अंडा, यहां को सही है, लंबा लंबा है ना, कुछ क्या हमारा कैंटीन जल बढ़िया, हम आपसे आगे मैं सोच के एक बार कैंटीन को चलते हैं। A few moments later. So, दोस्तों बारिश होने लग गई है, डोले डालने तो हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी, यहाँ पर सब वेट कर रहे हैं बारिश के रुकने का। सो हम घूमते घामते पहुंची ब्राइटन कॉर्नर, जिसका अब नाम हो गया है विवेकानंद कॉर्नर। यहाँ से ना सनसेट बहुत ज्यादा प्रेटी दिखता है। खैर इस समय तो बादल बादल लगे हुए हैं, बारिश का मौसम हो रहा है, कभी आप अल्मोड़ा हो ना, यहाँ से सनसेट देखना बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों घूमते घामते हम पहुंच गए हैं सिटी मॉल पे। यामिनी नहीं आना अंदर, क्या कर रहा है? बाहर से ही भाग रही थी क्योंकि ढंग के बन गए, नहीं लगता है फिलहाल, आज तो भीड़ दिख रही है यहाँ। दोस्तों नीचे हम मोमो का ऑर्डर दे रहे थे, बट वहाँ स्टीम मोमो के अलावा कुछ अवेलेबल ही नहीं। सो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे थे, हमने सोचा कि ऊपर टेरेस को जाते, यहाँ आपको फोटो खिंचाते, फोटोज अच्छी आती क्योंकि आप को, फिर उसके बाद घर को जाएंगे। A few moments later. दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि घूमते घामते ना हम फिर से दूसरी जगह पहुंच गए थे, कैफे 01। इतनी जगह जाने के बाद ना हमें आज सवेरे से हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ था, ना डोली डाना जा पाए, न सिटी मॉल में कुछ खाने को मिला था। उसके बाद हम लोग ना यहाँ आपको आ गए थे, और मैं आपको बता रही थी कि अभी ना हम लोग जाने वाले सेल पे, जो मैंने आपको शॉर्ट पे दिखाई थी पिछले बार, मैंने कुछ लिया नहीं था, तो इस बार देखती हूँ कुछ अच्छा लगेगा तो वो भी ले लेंगे। तो फर्स्टली सबसे पहले जो ऑर्डर आता है उसको फटाफट से फिनिश करते, देन उसके बाद फटाफट से यहाँ से भी चलते हैं। तो दोस्तों हम आज पहुँच चुके हैं कैफे 01 अल्मोड़ा में, तो बड़ी मुश्किलों से हम सुबह से इधर उधर भटक रहे थे, सुबह हम दुकान पे गए हुए थे, और अभी हम पहुंच चुके हैं कैफे 01 अल्मोड़ा में। तो यहाँ पे हमने कुछ नूडल्स मंगा रखे हैं, इसके बाद सैंडविच ऑर्डर कर रखा है, और हमारा तरह से कुछ नहीं खा रखा है, सुबह एक दो ब्रेड खाए थे, एक चाय पी थी, बस हो गया। जूली के साथ? ना जूली नहीं है आजकल, जूली गाँव है। तो लेकिन वो प्लान हमारा थोड़ा डिले हो गया क्योंकि बाहर बारिश होने लगी थी, तो सब लोगों को मतलब अपने स्वास्थ्य की परवाह थी कि बारिश में हम भीग जाएंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, लेकिन चलो नेक्स्ट संडे या इस महीने के आने वाले संडे में हम देखते हैं क्या होता है, कब का प्रोग्राम बनता है। देखो ये दो इसमें एक हमारे पास जो हमारा फ्रेंड है वो भी बीमार पेशेंट है हमारे साथ, रिंकू, फिर भी देखो ना बीमार, क्योंकि इसको बुखार आया हुआ था, इसने तो एकदम मना कर दिया बारिश के छींटे क्या है। देखो हमारे अफगानी मोमो भी पहुँच चुके हैं यहाँ पे, पहुँच चुके हैं क्या, कहीं से आ रहे हैं। सो गाइस हम लोग इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे, खाते वक्त दिखाते नहीं है क्योंकि हम बहुत गंदे तरीके से खाते हैं।
पेट पूजा हम लोगों की हो गई है और अभी हम जा रहे हैं, हमें आपको कहते हैं कि सीढ़ी पे जाएंगे। ये तीन जने क्या करने वाले पता नहीं, पर यामिनी और मैं अंदर पे जाने ही वाले हैं। तो यहाँ पर कुछ सारी रिंग्स हैं जो कि 99 रुपीज़ की हैं। मस्त शॉप है यार, बस मेरे हाथ में कोई नहीं घुस रही है। तो गाइस ये सारे जितने भी पेंडेंट हैं ये 99 रुपीज़ के हैं, पूरे नेक पीस जितने भी हैं। देखो ये पर्ल वाला है पूरा प्योर, मस्त लग रहा है, दिख नहीं रहा आपको, देखो इतना सुंदर लग रहा है। बहुत सारे पीसेज हैं यहाँ, बहुत सुंदर सुंदर पीसेज हैं। मैं अपने लिए मेटल्स में ढूंढ रही हूँ, तो मुझे मेटल पर कुछ मिल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखो यामिनी ने ट्राई किया है, प्यारा लग रहा है ये, अच्छा तो लग रहा है, सुंदर लग रहा है। अभी ना हम इधर आए हैं, ये भी 99 रुपीज़ का ही है। सो आपको मुझे ये मेटल वाले कड़े बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहे हैं, तो ना मैं इनमें से तो एक लेने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पर नेक पीस भी है, अगर मुझे पसंद आते तो मैं ये भी लेने वाली हूँ। हाँ अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा अच्छा नहीं लगेगा, सुंदर लग रहा है। हाँ एवं मैं पहनती हूँ, मुझे दिखा। हाँ क्यों, इसको थोड़ा नीचे नीचे कर, उल्टा हो गया, उल्टा कर। हाँ बहुत क्यूट, अच्छा लग रहा है, क्यूट लग रहा है। और देख इसमें बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। एक ये वाला है मैं, देख इसी में एक राउंड वाले में, ये सीधे में, ये राउंड में, हाँ सेम ही है। फिर बाकी तो सब बड़े बड़े हैं यार, वो कह रहे होंगे गलती से आ गए थे। और एक ये ब्रेसलेट क्यूट लग रही है इसको, मैं मेरी अम्ब्रेला ये है मेरी क्लच, हाँ ये भी प्यारा लग रहा है। देखिए इसका पैटर्न थोड़ा पायल जैसा है ना, पायल की तरह, देखा चलता है ये ज़्यादा बेटर लग रहा है ना, इसमें डिज़ाइन अच्छा है ना, अच्छा लग रहा है ये वाला, अच्छा लग रहा है। एक बार मैं पहनू, देख मैं दिखाती हूँ तुझे, इधर ही चाहिए पुका दिखा। अच्छा लग रहा है, इसको रखती हूँ, एक ये एक साड़ी लेते हैं। और गाइज यहाँ आपको ना गोल्ड ज्वेलरी टाइप की है सब, बहुत प्रीटी प्रीटी डिज़ाइंस हैं। उधर देखो दिखाते हैं आपको, ये देखो ये देखो ये देखो, गाइस आज पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट हम पूरा अल्मोड़ा ही घूम गए हैं एक तरीके से देखा जाए तो। अभी हम लोग आए विशाल पे और मैंने भौ के लिए प्यार ऐसा फ्रॉक लिया है, अब पता नहीं घर जाके मुझे गालियाँ पड़ेंगी क्या होने वाला है फिर। तो अभी बाकी लोग भी अपना अपना जो जो सामान देख रहे हैं वो देख रहे हैं, इसके बाद हम लोग सीधे घर को जाने वाले हैं। ये टॉप है ऑफ शोल्डर, कुछ पसंद आ रहा है? बिल्कुल कुछ भी नहीं, कुछ पसंद नहीं आ रहा मुझे। हमारे जो साथी थे ना, हमारे जो दोस्त थे, वो लापता हैं, हम उनको पूरे विशाल पे ढूंढ रहे हैं। बताओ ये ऑर्चर रितेश की कॉलर ट्यून सुनने में मजा आती थी। हां रितेश किधर है तू? उनको फोन किया जा रहा है, दो मंजिले में फोन किया। ये हमें फाइनली मिल गए हैं,
चलिए चल, हम तुमको नीचे से ऊपर पूरा ढूंढते हुए आ रहे हैं। ये यहाँ पता नहीं क्या ही ले रहे हैं। हमें क्या है आपको? कुछ नहीं चाहिए। आप क्यों अभी निकल जाओ यहाँ से? आप निकल जाओ वहाँ, वो बताना है। हाँ तुम्हारा था, तुम्हारा था, नीचे गिरा है, सब लात मार रहे हैं, जल्दी जाओ। सो गाइस, हम लोग ना मॉल से भी आ गए हैं। सो इन लोगों ने भी अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर रखा है, और मैंने सिर्फ राधे के लिए ड्रेस लिया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, मम्मी लोग होते नहीं है तो मैं कुछ ले भी नहीं पाती हूँ। बट आज मैंने हैंग्स के लिए ये दो चूड़ी और एक नेकलेस टाइप का लिया है मेटल का। सो वो मैं आपको किस दिन जब मैं पहनूंगी ना वो तब दिखाऊंगी। फिलहाल हम लोग जा रहे घर हैं। अभी भी जितने भी हमारे साथ में बॉयज थे ना, ये लोग कहीं शॉप पर रुके हुए हैं, कुछ देख रहे हैं सामान वगैरह, और यहाँ में नहीं, और मैं घर की ओर जा रहे हैं। सो एंड ऑफ द डे ऐसा हुआ है कि हम लोग एक दूसरे को ताने ही मारने में थे कि तुम्हारी वजह से आज का पूरा दिन वेस्ट चले गया, तुम्हारी वजह से आज का दिन वेस्ट चले गया। बट दिन अच्छा ही रहा है, मतलब पूरा ऑलमोस्ट हम लोग पूरी मार्केट ही घूम गए हैं, पूरा दुगाल खोला से ऊपर विशाल तक का, वो आप सभी ने देखा है। सो आज के दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया। यमिनी कैसे लगा आज? मस्त, मज़ा आया। सो अब चलते हैं फटाफट घर की ओर। हम लोग घर पहुंच गए हैं और इस ना हमारी राधे से मिलना है। ऊपर घर को चढ़ नहीं रहे थे ये लोग, कह रहे भाव को नीचे ही लेकर आ। सुबह से मिलाते थे बाबू, देखो उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। बोले यार किसी को देख कर नहीं हंस रही हो, किसी को देख कर डरेगी तुझे देख कर। हेलो राधे, मुझे देखा है उसने। डर रही है, तुम्हें देख कर कह रही शौक में। इतने खतरनाक लोग कौन दिख रहे मुझे आज? क्योंकि इनके घर में गाड़ी वाला कोई भी नहीं है ना। नहीं यार, राधे दीदी माछी माछी बाबू आंटी है, आंटी अंकल है, ये अंकल है, ये दादाजी है, ये बड़े दादा, ये सारे के सारे मामा है, ये माछी है, माछी हंसी नहीं रहे हो? ये पढ़ो। मैं घर पहुंची अराउंड 6 or 6:30 के आसपास। फिर दोस्त लोग, अभी आपने देखा ही होगा कि बहुत से मिलने आए थे, तो वो लोग बहुत से मिलकर गए। लेकिन आज बहुत किसी को भी देखकर हंसी नहीं, क्योंकि ना बहुत का थोड़ा मतलब मूड सा ठीक नहीं होता, चिंगान सी हो रखी थी। एक तो अब पता नहीं चला कि बहुत को हो क्या रहा। मम्मी कह रही है कि शायद से बहुत के दांत आने वाले होंगे ना, तो उस वजह से बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ी थोड़ी परेशानी सी होती है, तो मे बी शायद वही दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल हमारी जो राधे है वो सो रखी है, आपको राधे से मैं ना बाद में बुलाऊंगी। और आज के वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। राधे राधे दोस्तों, मिलते हैं आपसे जल्दी।